आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं प्लस टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चंस। बट बिफोर डूइंग दोज क्वेश्चंस वी शुड नो व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो आई हैव पेस्टेड ऑल दोज लिंक्स विच belongs to this inverse trigonometric function, specially regarding domain, range and properties. I have taken two questions here. Two questions मैंने लिए हैं कि we have to find out cos inverse 4 upon 5 plus cos inverse 12 upon 13. It is equal to cos inverse 33 upon 65. Similarly, यहाँ दिया है sin inverse plus cos inverse equal to tan inverse. जहाँ तक पहले question की बात है, वैसे एक universal method ये है कि सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यूनिवर्सल मेथड। अगर भूल गए, अगर आप फॉर्मूले भूल गए, लेकिन यहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y एंड द रिजल्ट अगेन इज इन द फॉर्म cos इनवर्स। तो cos इनवर्स x डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इट इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर द रूट 1 माइनस y स्क्वायर। वी हैव डन इट इन आवर प्रीवियस सेगमेंट्स, ये चीज हम पहले कर चुके हैं। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो इट विल बिकम cos इनवर्स x इनटू y, x इज 4 अपॉन 5, y इज 12 अपॉन 13, तो 4 अपॉन 5 इनटू 12 अपॉन 13 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 25 इनटू अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 169। फर्दर सिंप्लीफाइड, cos इनवर्स 4 अपॉन 5 इनटू 12 अपॉन 30 माइनस। व्हेन वी विल टेक द एलसीएम, एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा 25 माइनस 16 9 अपॉन 25, तो अंडर द रूट 9 अपॉन 25 एंड दिस विल बी 169 माइनस 144 इज 25 अपॉन 169। सिंपल कैलकुलेशंस है, सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इट विल बी कॉस इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस ओपन द ब्रैकेट्स सॉरी स्क्वायर रूट लीजिए, इसका स्क्वायर रूट 9 अपॉन 25 का 3 अपॉन 5 and this is 5 upon 30. So what we will get? Cos inverse 48 upon 65 minus 15 upon 65. LCM denominator same. What we will get here? We will get cos inverse denominator same 48 minus 50. So this is cos inverse 33 upon 65 and which is our राइट हैंड साइड। ये हमारी कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। यही चीज हमको प्रूव करनी है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहां क्या हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, दिस वाज आवर फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला था, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद दिस इज व्हाट वी विल गेट। नाउ लुक हियर, यहां एक साइन इनवर्स है, एक कॉस इनवर्स है, राइट हैंड साइड टेंजेंट इनवर्स है, तो व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? बेटर ऑप्शन ये है कि इनको टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। साइन इनवर्स में करना उसमें भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस इनवर्स में करना उसमें भी कर दो, कोई समस्या नहीं। साइन इनवर्स में करोगे साइन इनवर्स एक्स, इसको भी बदलना है, इसको भी बदलना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अगर कॉस इनवर्स में इन दो को बदलना है। बट हियर क्योंकि सिंस आवर राइट हैंड साइड इज टेंजेंट इनवर्स, व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स। तो कैसे कन्वर्ट होते हैं? तरीका फिर से वही, ये काम रफ में करना है जहां भी आपको करना है। इफ दिस इज योर एंगल थीटा, तो साइन इनवर्स इज पी अपॉन एच, तो पी इज 5, एच इज 13, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस विल बी 12। ये इसके लिए जी, फिर कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5, सेम प्रोसेस, इफ दिस इज थीटा, दिस इज बी अपॉन एच, बी इज 3, एच इज 5, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट पी इज इक्वल टू 4। मींस साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स विल बी टेंजेंट इनवर्स पी अपॉन बी। व्हाट इज पी 5, what is b? Well, the tangent inverse 5 upon 12 plus cos inverse 3 upon 5 in terms of tangent inverse, it will be again p upon b.
तो tangent inverse P is 4 and B is 3. Now apply the formula. What's the formula? Tangent inverse X plus tangent inverse Y, it is equal to tangent inverse X plus Y upon 1 minus X Y. Apply this formula. Tangent inverse X plus tangent inverse Y. What we will get? We will get tangent inverse X plus Y, 5 upon 12 plus 4 upon 3 divided by 1 minus X into Y, 1 minus 5 upon 12 into 4 upon 3. Further, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लीजिए. न्यूमरेटर का जब आप एलसीएम लेंगे, व्हाट वी विल गेट, इट इज 36. न्यूमरेटर का एलसीएम 36, दिस इज 15 प्लस 48. एलसीएम लिया कुछ नहीं है, 3 5 जा 15, 12 4 जा 48 डिवाइडेड बाय. सिमिलरली डिनोमिनेटर का एलसीएम भी 36, यहां 36 माइनस 20, दिस इज 36 माइनस 20, ये चीज कैंसिल होगी. व्हाट यू विल गेट, वी विल गेट tangent inverse, numerator is 15 plus 48, it is 63. 36 minus 20, it is equal to 16. Is it our right hand side? Yes, this is our right hand side. So this is the process how to simplify or how to prove that these inverse trigonometric functions. Let us take few more questions. इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट एक्स इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड वेयर एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 1. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सिंपलीफिकेशन, सिंपलीफिकेशन के लिए इससे पहले सेगमेंट में मैंने किया है कि जब सिंपलीफिकेशन करनी है तो सब्स्टिट्यूशन करनी है, और सब्स्टिट्यूशन से क्या फायदा होता है, इट कम्स टू द सिंपलेस्ट. अब यहां पर दोनों साइड एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड भी एज वेल एज बी एज वेल एज राइट हैंड साइड. अब साइन थीटा डालेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, कोई फायदा नहीं, कॉस भी नहीं पड़ेगा. साइन स्क्वायर डालेंगे टेंजेंट इनवर्स साइन, स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर पढ़ना है. तो यहां जो क्लियर हिंट मिल रहा है कि पुट एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा. अब यहां थीटा की वैल्यू वापस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वली करना है और कुछ नहीं करना. तो एक्स की वैल्यू टेंजेंट थीटा डालते हैं, सॉरी टेंजेंट स्क्वायर थीटा, नॉट टेंजेंट थीटा. तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा एंड आवर लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू थीटा. जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको थीटा की वैल्यू वापिस डालने की. ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेते हैं. राइट हैंड साइड में भी एक्स की वैल्यू वही पढ़नी है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इट इज हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. अब ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं मल्टीपल एंगल में हमने पढ़ रखा है, कर रखा है इस फॉर्मूले को कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा. कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, चार फॉर्मूले कॉस 2 थीटा के, cos square theta minus sin square theta, then 2 cos square theta minus 1, then 1 minus 2 sin square theta and 1 minus tangent square theta upon 1 plus tangent square theta, this is cos 2 theta. Put the value, value डाल दीजिए right hand side में, तो 1 upon 2 cos inverse, ये क्या चीज है, this is cos 2 theta. Cos inverse से cos cancel, what we will get, 1 upon 2 into 2 theta, it is equal to theta and this is राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज अगेन थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन वी हैव ब्रॉट दिस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बिकमिंग इक्वल टू राइट हैंड साइड. Now I have taken one more question, and in this question what we have to do, we have to prove left hand side equal to right hand side. फिर से वही inverse trigonometric functions की simplification करनी है, मतलब substitution करनी है. अब यहां substitution किस चीज की करें, x को देखना है, substitution x की होगी 1 plus sin या 1 plus sin 2 theta, no कोई result नहीं मिलेगा, tan 2 theta. अगर cos 2 theta की डाले, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर की टेंशन भी खत्म, स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट है यहां पे. व्हाट वी विल डू, वी विल पुट
x इक्वल टू कॉस टू थीटा। यहां हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो दिक्कत नहीं, एक लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करते हैं अगर निकालने चाहो, अदरवाइज बोथ साइड में सेम वैल्यू डाल दीजिए, वी विल गेट द रिजल्ट, हमको वैल्यू मिल जाएगी अगर आप थीटा की वैल्यू नहीं भी निकाली। चलिए उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से पहले किया था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस अंडर द रूट वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू डाल रहे, कुछ नहीं कर रहे, वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस अंडर द रूट वन माइनस कॉस टू थीटा। अप्लाई द फॉर्मूला, वन प्लस कॉस टू थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड वन माइनस कॉस टू थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा से ये फॉर्मूले निकले हैं, तो टेंजेंट इनवर्स इज अंडर द रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर द रूट टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर द रूट टू साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट टू कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट टू डिवाइड बाय अंडर रूट टू, यहां भी अंडर रूट टू, यहां भी, यहां भी, यहां भी अंडर रूट टू बाहर आ जाएगा। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किया, जब इस तरह की फॉर्म आएगी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, व्हाट वी विल गेट टेंजेंट इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेट अस सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इट इज टेंजेंट इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड ही कर रही है अभी, राइट हैंड साइड नहीं टच किया, वी आर डूइंग लेफ्ट हैंड साइड ओनली। टेंजेंट इनवर्स कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज वन माइनस साइन अपॉन कॉस इज टेंजेंट, तो ये बना वन माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज वन साइन अपॉन कॉस इज टेंजेंट, डिनोमिनेटर बन गया वन प्लस टेंजेंट थीटा। अब ये फॉर्मूला कहीं किया है, दिस इज टेंजेंट 45 माइनस थीटा, कैसे, दिस इज टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन वन प्लस टेंजेंट ए इनटू टेंजेंट बी, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है वन, पुट द वैल्यू, तो इट इज टेंजेंट इनवर्स, सॉरी थीटा नॉट एक्स, फोर माइनस थीटा, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट कैंसिल, हमको क्या मिला, वी विल गेट पाई बाय 4 माइनस थीटा एंड दिस इज अवर लेफ्ट। अगर आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहो, यहां से वैल्यू निकल सकती है थीटा की, देखिए यहां से थीटा की अगर आप निकालना चाहो, ये दोनों साइड में पुट करना है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड में पुट करके भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना, अगर ध्यान नहीं यहां पे 2 थीटा इज cos इनवर्स x, तो थीटा इज 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x, यहां वैल्यू डाल दीजिए, ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा, लेकिन मैं राइट हैंड साइड में वैल्यू डाल, तो राइट हैंड साइड इज पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या डाल लीजिए, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा cos इनवर्स से cos कैंसिल, पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2 इनटू 2 थीटा, इट इज पाई बाय 4 माइनस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज हाउ वी प्रूव दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो इक्वालिटीज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उसको वेरीफाई अप टू लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, मतलब करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यूज करके। लेट अस टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज अगेन इक्वल टू द राइट हैंड साइड, प्रूव करना इस पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रिलेशन दे रखा है इसको हमको प्रूव करना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में समथिंग इज कमिंग कॉमन, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, 9 अपॉन 4 इज कॉमन, हमारे पास बचा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 3, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फॉर्मूला कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इट इज इक्वल टू पाई बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक ऐसी फॉर्म भी रखी है पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म। तो पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स उधर ले जाओ जी, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया, कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स पुट द वैल्यू, तो नाइन अपॉन फोर इट इज कॉस इनवर्स ऑफ, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स इज हाउ मच, वन अपॉन थ्री, सही हो गए। क्या ये राइट हैंड साइड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको यहां क्या है, कॉस इनवर्स, यहां क्या है, साइन इनवर्स। कैन वी कन्वर्ट कॉस इनवर्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स? यस वी कैन कन्वर्ट। हाउ? देख लीजिए फिर से वही तरीका, दिस इज थीटा, कॉस इनवर्स इज बी अपॉन एच, तो बी इज वन एच इज थ्री, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व कर लेंगे करेंगे तो इट विल बी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 9 माइनस 1 इज अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 इज 2 अंडर रूट 2, इट मींस कॉस इनवर्स 1 अपॉन 3 कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स 1 अपॉन 3 इट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ साइन पी अपॉन एच साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। पुट दिस वैल्यू हियर, what we will get, our left hand side will become 9 upon 4 sine inverse 2 under root 2 upon 3, and is it our right hand side? Yes, this is our right hand side. यानी trigonometric जो inverse trigonometric functions की जो properties है, उन properties को apply करके we can simplify, and after simplification even we can prove these inverse trigonometric functions. अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में लेट अस सॉल्व द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उस इक्वेशन को सॉल्व करके लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व जब भी हम सॉल्व करते हैं वी ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए टेंजेंट इनवर्स अगर होता तो कैंसिल होके, लेकिन यहाँ है टू टेंजेंट इनवर्स, टू टेंजेंट इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी हैव गॉट अ फॉर्मूला, टू टेंजेंट इनवर्स एक्स इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, ये हमारे पास फॉर्मूला है, सॉरी नॉट वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, व्हाट वी विल गेट इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करके टेंजेंट इनवर्स 2x यानी 2 cos x, क्योंकि x की जगह क्या है cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई, इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 cosecant x। फर्दर सॉल्व इट, फिर से सॉल्व करते हैं, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो, अब कोई दिक्कत नहीं, इट इज 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज साइन स्क्वायर एक्स, इट इज इक्वल टू टू कोसेकेंट एक्स, ये फिर कैंसिल हो गया। अब करना क्या है, ये सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, फिर थोड़ा सिंपल लिख रहे इसको, डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स, क्योंकि कोसेकेंट एक्स कहां से आया, राइट हैंड साइड से, यहां आके डिवाइड हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, कैसे कैंसिल हुआ, कोसेकेंट इज वन अपॉन साइन, साइन से साइन, क्या बचा cos upon sin, and cos upon sin is cot x, and cot x is 1, अब cot x की वैल्यू 1 कहां होती है, cot x की वैल्यू 1 होती है at 45 degree, तो the value of x is 45 degree, तो this is how we solve these inverse trigonometric functions। तो इस सेगमेंट में क्या क्या किया हमने, इस सेगमेंट में हमने किया कि on the basis of its properties how to solve different problems of inverse trigonometric functions, और एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस सेगमेंट को देखने से पहले watch the videos, especially domain range of the inverse trigonometric functions, and then दो videos है properties के कि properties of inverse trigonometric functions, this is all about inverse trigonometric functions of class plus 2।
Thank you.